हेलो एव वन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो टूडे इस टॉपिक इज़ प्लेसेस इन न्यूज़ ठीक है आज का हमारा यही टॉपिक होगा जितनी भी हमारी अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में रिसेंटली की बात कर रही हूँ मैं जो भी न्यूज़ में रही हैं कंट्रीज़ ठीक है countries, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड uh, देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ न्यूज़ में रही हैं और किस किस वजह से रही हैं वो भी हम देखेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ प्लेसेस इन न्यूज़ सो फर्स्ट कंट्री जो न्यूज़ में है करेंटली वो है स्विट्ज़रलैंड ठीक है स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है उसका नेम है लुजान ठीक है इसी सिटी में नेक्स्ट uh, ईयर 2021 May में एंड में ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी ठीक है इसी वजह से ये सिटी न्यूज़ में है बट पहले ये डिसाइड किया गया था कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो पहले कंडक्ट कराई जाने वाली थी डेवोस में ठीक है एक टाउन है स्विट्ज़रलैंड में ही इसी वजह से आप लुजान सिटी में इसका वेन्यू डिसाइड कर दिया गया है लुजान सिटी में एक लेक है लुजान के नाम से ही ठीक है उसी लेक के आसपास एक बर्जन स्टॉक एक रिज़ॉर्ट है उसी रिज़ॉर्ट में ये एनुअल मीटिंग कराई जाएगी ठीक है ये जो बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट है ये एक लग्जूरियस रिजॉर्ट है ओके एंड uh, इस एनुअल मीटिंग का जो थीम है वो होने वाला है द ग्रेट री सेट जस्ट रिम्बर दैट एंड कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड इसका जो हेड क्वार्टर है वो है क्लॉगने स्विट्जरलैंड में एंड इसके जो फाउंडर हैं वो है क्लॉस एंड ये फाउंडेड की की गई थी जनवरी नाइनटीन सेवेंटी वन में एंड इसकी लोकेशन आप मैप में भी देख सकते हैं ये राइट में स्विट्ज़रलैंड का ही मैप है एंड सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड में आती है एकदम लुज़ान सिटी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड जहाँ पर ये पहले कंडक्ट कराई जाने वाली थी उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं ये ईस्ट में स्विट्ज़रलैंड में डावोस टाउन है ये है यहाँ पर यहाँ पे पहले कंडक्ट कराई जाने वाली थी बट अब चेंज हो के डुजान सिटी कर दी गई है जो कि सेंट्रल स्विट्जरलैंड में आती है एंड स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर शेयर करता है टोटल फोर कंट्री से डेट इज़ फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली ओके नाउ हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो न्यूज़ में है पेरू ठीक है पेरू की जो नेस्का लाइन है वो न्यूज़ में है ये आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पर ये पेरू का मैप है ये सदर्न पेरू में नेस्का लाइन है ठीक है यही है न्यूज़ में ये जो नेस्का लाइन है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी या बनाई गई थी मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स अगो पहले ठीक है बाय द पीपल ऑफ़ द नेस्का कल्चर ठीक है ये इन्हीं लोगों ने बनाई थी ये लाइंस नेस्का कल्चर ने तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड कैट डिस्कवर्ड की गई है पेरूज की नेस्का लाइंस में जो कि 2000 साल पुरानी है ठीक है उसका फिगर ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये आ, फिगर डिस्कवर किया गया है जो कि 110 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग है एंड ये जो नेस्का लाइन्स है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दी गई है एंड इट इज़ ऑल्सो ए होम टू डिज़ाइन ऑन द ग्राउंड नोन एज जियोग्लिप जो कि बनाई जा चुकी है दो हज़ार साल पहले ठीक है एंड देयर आर मैनी फिगरेटिव डिज़ाइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स द लाइन्स वर डिक्लेयर ए वर्ल्ड हेरीटेज साइट बाई यूनेस्को इन नाइनटीन नाइन्टी फोर में एंड ये जो जियो क्लिप है इसका सिंपली मीनिंग है जायंट डिज़ाइन ठीक है जो कि सिंपली बने होते हैं ग्राउंड पर बाय यूजिंग प्लास्टिक रॉक्स स्टोन्स स्टोन्स फ्रेगमेंट्स एक्सेट्रा ठीक है स्टोन्स वगैरह को ये यूज़ करके बनाए जाते हैं एंड ये जो लाइंस बनाई गई हैं एंड डिज़ाइन् जो बनाए गए हैं ये एंशियन पीपल ने बनाए हुए हैं दो हज़ार साल पहले कहाँ पर नास्का लाइन्स में ठीक है जो कि पड़ता है नास्का डेजर्ट के पास पेरू में ओके सो so, इसी वजह से ये पेरू कंट्री न्यूज़ में थी नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूपी के बारे में यूपी हमारा न्यूज़ में क्यों था क्योंकि वहाँ पे जो पेलीबिट टाइगर रिज़र्व है वो न्यूज़ में है क्योंकि पेलीबिट टाइगर रिज़र्व और जो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन दोनों ने ही फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड जीता है टी इंटू टू फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन ऑफ़ टाइगर पीली भी टाइगर रिजर्व ने चार साल के अंदर अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करके दिखाया है इसी वजह से ये अवार्ड इन्हें मिला है टी इंटू टू ठीक है इंटरनेशनल अवार्ड है ये इसके बारे में हम देख लेते हैं कि टी इनटू टू अवार्ड क्या होता है ये एक ग्लोबल अवार्ड है जो कि बनाया गया था टू में इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एंड ये जो अवार्ड बनाया गया था ये बनाया गया था बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आई यू सी एन ग्लोबल टाइगर फंड दैट इज़ जे डी एफ कैट्स एंड द लायंस शेयर ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सब ने मिलकर ये अवार्ड बनाया है दैट इज़ टी इंटू टू एंड इसी वजह से ये न्यूज़ में था पीलीबेट टाइगर रिजर्व एंड जो ग्लोबल टाइगर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई ट्वेंटी नाइन में नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है न्यूज़ में वो है शिलोंग ठीक है शिलोंग न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इंडिया इंटरनेशनल शेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है शिलोंग में वो कैंसिल कर दिया गया है किस वजह से क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से एंड ये जो शेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये होस्ट करता है मेघालय ठीक है इन स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में एवरी ईयर एंड ये सिर्फ एक ही चेरी फेस्टिवल है जो कि कंडक्ट होता है इंडिया में ठीक है एंड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एक नेशनल फेस्टिवल है मिशिगन का जिसे जापान भी सेलिब्रेट करता है एंड ये एक एडिशनल पॉइंट है नेक्स्ट इंडिया जो है ट्वेंटी सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चेरी का इन द वर्ल्ड में एंड इसके जो टॉप थ्री प्रोड्यूसर हैं चेरी के वो है टर्की यूएसए एंड ईरान सो जस्ट रिम्बर दैट सो इसी वजह से ये शिलोंग हमारा न्यूज़ में था नाउ नेक्स्ट जो हमारी कंट्री न्यूज़ में थी वो है सिंगापुर ठीक है ये हमारी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सिंगापुर ने फर्स्ट पोजीशन गेन की है किस में इन द वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में ट्वेंटी ट्वेंटी के ठीक है ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड को्पटेटिवनेस सेंटर ठीक है ये जो आई है ये इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में जिसकी लोकेशन स्विट्ज़रलैंड के लुजैन में पड़ती है ठीक आई एक प्राइवेट बिजनेस इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर एक डेडिकेटेड सेंटर है वही सेंटर ये वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की रैंक डिक्लेयर करता है एंड ये डिक्लेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ अ कंट्री ठीक यहाँ पर कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ अ कंट्री में देश की फ्री ट्रेड एंड फेयर मार्केट कंडीशन देखी जाती है मतलब जब कोई देश गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो उसमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं अगर उस कंडीशंस को अच्छे से फुलफ़िल कर दिया जाता है तो उसी के बेसिस पर ये रैंक डिक्लेयर की जाती है तो वो कंडीशंस में देखा जाता है कि देश इंटरनेशनल के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है अगर वो कर सकता है तो वो कितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस देश का ठीक है अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर रहेगा तो ज़्यादा कंपनीज़ भी अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करेगी उस कंट्रीज़ में ठीक है एंड जब कंट्रीज जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज सेटअप करेंगी उस कंट्रीज़ में तो फिर अपने आप प्रोडक्शन भी बेटर रहेगा एंड इस कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि करप्शन कितना कम है है ना करप्शन जितना कम होगा तो उतनी ज़्यादा कंपनीज़ इन्वॉल्व होंगी एंड फैक्ट्रीज सेटअप करेंगी अपनी एंड इसमें ये भी होता है कि फ्री एंड फेयर मार्केट कंडीशन होनी चाहिए गवर्नमेंट शुड ट्रीटेड कंपनीज इक्वली ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट एक कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा दे रही है एंड दूसरी को कम इसमें दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए हर कंपनीज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए तो इन्हीं सब को देख कर हम कहते हैं कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ अ कंट्री जिसके बेसिस पर ये रैंक डिक्लेयर की जाती हैं

ट्वेंटी में वो ही फोर्टी थर्ड प्लेस पे ठीक है ये ट्वेंटी ट्वेंटी में भी फोर्टी थर्ड में थी एंड टू थाउजेंड एंड में भी सेम प्लेस पर ही थी फोट फोर्टी थ्री पर ठीक है एंड हम कुछ थोड़ा ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के बारे में भी जान लेंगे ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इसमें इंडिया ने रैंक किया था सिक्सटी एट्थ पोजीशन पर ठीक है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में एंड सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आया था 2019 का डेटा है ये एंड फर्स्ट पोजीशन पे था सिंगापुर सेकेंड पोजीशन पे था यूएस एस एंड फॉलोड बाई हांगकॉन्ग नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ठीक है इस बार यूएस uh, को रिप्लेस करके सिंगापुर फर्स्ट आया था एंड ये जो इंडेक्स है ये टोटल ट्वेल्व पिलर्स के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाता है ठीक है वो ट्वेल्व पिलर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आईसीटी एडॉप्शन हेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी स्किल्स हेल्थ लेबर मार्केट प्रोडक्ट मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम बिजनेस डायनामिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी इन्हीं सब के बेसिस पर ट्वेल्व पिलर्स के बेसिस पर ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स डिक्लेयर किया जाता है कंट्रीज़ की रैंक डिक्लेयर की जाती है इसी ट्वेल्व पिलर्स के बेसिस पर नेक्स्ट हमारी कंट्री जो न्यूज़ में है वो है असम ठीक है असम ने बेस्ट स्टेट अवार्ड इन फ़िशरीज सेक्टर में जीता था ठीक है ऑन नवंबर एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है असम वन फोर अवार्ड्स इन फ़िशरीज सेक्टर फ्रॉम दी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फ़िशरीज़ तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था नाउ नेक्स्ट हमारी कंट्री है न्यूज़ में वो है ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्यों है क्योंकि साइंटिस्ट ने 500 मीटर टॉल कोरल लीफ डिस्कवर्ड की है कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बेरियर रीफ में ठीक है ये पहली बार डिस्कवर्ड uh, किया है साइंटिस्ट ने 120 सालों में एंड uh, ये जो रीफ है ये डिस्कवर्ड की है बाई दी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट फ्रॉम दी स्कैमड ओशियन इंस्टीट्यूट से ठीक है ये वहाँ से बिलोंग करते हैं ये साइंटिस्ट तो उन्होंने ही ये डिस्कवर की है एंड ये जो आ, आ, कोरल रीफ है ये 1.5 किलोमीटर वाइड है जिसमें से 40 मीटर जो रीफ है वो अंडर द सी सरफेस है यहाँ आप राइट में मैप में देख भी सकते हैं कि किस लोकेशन पे ये पाई गई है आ, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है यहाँ पे ईस्ट में ये ग्रेट बेरियर रीफ है एंड यहीं पर कोरल रीफ डिस्कवर्ड की है साइंटिस्ट ने सो so, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में था सो so, नेक्स्ट हमारे जो स्टेट है वो न्यूज़ में है जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि देविका एंड द पुंजा ब्रिजर्स इनागरेटेड ये इनाग्रेट किए गए हैं थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए एंड ये इनाग्रेट किए थे जितेंद्र सिंह ने जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इन्होंने इनाग्रेट किए थे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस दैट इज सेविका एंड पुंजिया ऑन ट्वेंटी फोर्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी नाओ हम इन ब्रिजेज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये जो दीघा ब्रिज है ये लोकेट करता है एट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है एंड ये बना है एट अ कॉस्ट ऑफ रूबीज सेवेंटी फाइव लाख एंड ये जो ब्रिज बना है ये वहाँ के लोकल्स लोगों की सत्रह uh, साल पहले की डिमांड थी कि ये ब्रिज बन जाना चाहिए बट ये बना है आफ्टर सेवेंटी ईयर्स एंड ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इंडियन आर्मीज नदर कमांड का भी हेडकोार्टर हैं ठीक है एंड ये जो ब्रिज है ये टोटल टेन मीटर्स लॉन्ग है एंड नेक्स्ट जो है पुंजिया ब्रिज ये जो पुंजिया ब्रिज है ये लोकेट करता है इन बंदेरवा टाउन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एंड इस ब्रिज को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी थी ये लगी थी अराउंड रुपीज़ फोर करोड़ ठीक है एंड ये जो ब्रिज है ये टोटल फिफ्टी मीटर लॉन्ग है एंड इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ में था सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी 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 इंफॉर्मेटिव इफ यू लाइक दिस वीडियो कैडेर द थम्स अप एंड लेट know योअर थाट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड येस Don't forget to subscribe to my channel, that is Shiva Study Education for more informative videos. And thanks for watching my video. I'll see in the next one. Till then bye bye. Take care.